नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में, जहां पर आज हम एक खास मुद्दा लेकर आए हैं। ऐसे में उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में कॉकटेल का चलन जो है सबसे ज्यादा हो गया है। हर एक पार्टी में कॉकटेल पार्टी यहाँ पर दी जाती है, जिसकी वजह से युवा भी इसकी तरफ अपना जो रुख है वो अख्तियार करते जा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे मुख्य संपादक हरीश असवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि खुद एक उत्तराखंड निवासी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार प्रद्युम। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है मेरा कि जिस तरीके से आप खुद एक आप उत्तराखंड निवासी हैं, ऐसे में कॉकटेल का जो एक चलन हो गया है वो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है, चाहे कोई एक छोटी पार्टी हो या फिर बड़ी से बड़ी पार्टी हो, ऐसे में सबसे ज्यादा चलन जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है उत्तराखंड में। जी प्रद्युम, ये एक ऐसा चलन बढ़ता जा रहा है जिसको सभी लोग बंद तो करना चाहते हैं जी, पर इसको एंजॉय भी करने लगे जी। ठीक है, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल। और मेरा ये मानना है कि ये एक ऐसी प्रथा है जिस तरह से बाकी प्रथाएं हमारे यहाँ आई हैं जी, दहेज प्रथा, उसी तरह से ये भी एक प्रथा है जो पनप रही है जी, जिसको आज मैं कहता हूँ समाज में दो तरह के लोग हैं, एक जो इसको अफोर्ड कर सकता है, एक वो जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। पर जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए ये कहीं ना कहीं पे ये प्रेशर बनता जा रहा है सामाजिक, एक स्टेटस सिंबल, स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये तो ये प्रथा ही गलत है, और इस प्रथा को बंद करने के लिए हम सबको एक एक संकल्प लेना चाहिए कि हम इसे बंद करें और इस प्रथा को आगे आने वाली पीढ़ियों को इसके गलत होने की इसको बताएं कि ये गलत है जी। और इसकी शुरुआत शायद कोई कहता है कि समाज में कौन करेगा, तो मैं समझता हूँ इसकी शुरुआत हम सबको अपने घर से करनी चाहिए। जब तक हम अपने घर से इस शुरुआत को नहीं करेंगे ये प्रचलन बढ़ता चला जाएगा, एक दिन ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा नासूर बनता चला जाएगा। बिल्कुल हरीश जी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो अपने घर से होती है, तो कहीं ना कहीं ये बात ठीक है कि अपने घर से शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो माहौल है वो जरूर बदलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी देखी गई है हरीश जी, जिस तरीके से एक रीति, एक जो रिवाज होता है वो एक पार्टी का रिवाज बन चुका है। अगर आप इस पार्टी में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों की सोच पर, एक उनकी जो परवरिश होती है वो शराब के उसमें रहेगी, तो कहीं ना कहीं फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। बिल्कुल, पहले एक अब बाप और बेटे के बीच में एक पर्दा होता था जी, अगर बेटा बाप के सामने सिगरेट नहीं पीता था और बाप बेटे के सामने सिगरेट नहीं पीता था, आज इस प्रचलन ने दोनों एक ही टेंट के नीचे एक ही जगह पे दोनों ग्लास लेके बैठ खड़े होते हैं और सिर्फ एक दूसरे के, अगर कोई ज्यादा इग्नोर कर रहा है तो एक दूसरे की तरफ नहीं देखते हैं। बिल्कुल, इस तरह से इस प्रचलन को बढ़ावा मिल रहा है। इस जो प्रचलन को बढ़ावा बिल्कुल दिया जा रहा है हरी जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो उसमें यह भी हो जाती है कि पार्टी लगातार की जाती है, एक समय सीमा हो जाती है, समय सीमा ये कहती है कि 10 बजे तक आपको पार्टी करनी चाहिए। लेकिन अगर हम कॉकटेल पार्टी की खासकर उत्तराखंड की बात करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है और ये रात भर पार्टी चलती है, तो प्रशासन की और सरकार की जिम्मेदारी नहीं बन जाती इस पर? बिल्कुल, उसमें सरकार की पूरी पूरी जिम्मेवारी है। अगर इसी तरह से 2,000 रुपये देकर वो लाइसेंस देते हैं जी और कॉकटेल पार्टी करने के लिए लाइसेंस 2,000 रुपये, क्या 2,000 रुपये में किसी की जान का सौदा किया जा सकता है? ये सबसे पहले पहल शुरू होनी चाहिए हमारी सरकार से, जहां सरकार इसको बंद कर सकती थी वहां 2,000 रुपये में वो लाइसेंस दे रही है जी। तो कहीं ना कहीं पे इग्नोरेंस है ये बहुत बड़ी जो सरकार द्वारा की जा रही है। सबसे पहले सरकार को इसमें कदम उठाना चाहिए कि इस तरह की कोई भी लाइसेंस हमें बंद करनी चाहिए, इसको अवैध करार करना चाहिए। बिल्कुल, अवैध करार करने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आप ये भी देखिए, अभी कोरोना काल चल रहा था और ऐसे में दिल्ली में कोरोना काल जब लॉकडाउन खत्म हो चुका था तो ठेके खोले गए थे शराब के, क्योंकि टैक्स आता है, तो कई टैक्स के लालच में तो ऐसी पार्टियों को पर रोक नहीं लगती है? बिल्कुल, सरकार शायद अपना टैक्स कलेक्शन के लिए कुछ भी देती होगी, इस तरह से टारगेट्स होते होंगे, पर मेरा भी मानना है कि समाज में कोई भी ऐसा टारगेट नहीं होना चाहिए जिससे किसी के परिवार में आने वाला उसका समय उसका खराब हो जाए। कितनी ही आपने देखा होगा कितनी शादियों में लोग जाते हैं वहां से शराब पीते हैं, वापस आते हुए कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। मौत सिर्फ उसकी नहीं होती, उसके पूरे परिवार की मौत हो जाती है जो उसके बाद उसको झेलता है। तो कहीं ना कहीं पे इसमें सरकार ही जिम्मेदार है।
बिल्कुल, पल दो पल की खुशी है, उसके बाद फिर वो मातम में पसर जाता है पूरा, जिस तरीके से खुशी जो मनाते हैं लोग नशे में। लेकिन ये कहना बिल्कुल सही हो जाएगा कि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र है, अगर ऐसे में कॉकटेल पार्टी अगर बंद नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण से एक्सीडेंट होते हैं और कई लोगों की इसमें मौत भी हो जाती है। लेकिन अगर दूसरे तबके की बात करते हैं हरीश जी, तो वो तबका ये कहता है कि कॉकटेल पार्टी यहाँ पर जायज है और ऐसे में एक खुशी का माहौल में ये कॉकटेल पार्टी रखी गई है जो कि समय सीमा निर्धारित जो है उसमें की जा रही है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है? नहीं, बिल्कुल गलत है। समय सीमा खुशियों की खुशियां, कभी शराब से कभी खुशियां आई हैं क्या आज तक? नहीं, कभी नहीं। मेरा मानना नहीं, शराब आपको पल पल के लिए खुश कर सकती है, या आप अपना तरीका है जिसमें आप सोच सकते हो मुझे इससे खुशी मिलती है, पर मेरे हिसाब से नहीं। पहले तो शराब कोई पीता है तो वो अपने घर पे बैठ के पिए, सरकार द्वारा इसे मान्यता दी गई है, बनाया गया है, सब कुछ है, अपने घर पे बैठ के पिए, अपना सुरक्षित रहे अपने घर पे। पर आप जब उसको पी के ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, एक्सीडेंट होता है जी। उसमें उस टाइम पे प्रशासन की भी बुराइयां होती हैं और परिवार तो जो झेलता है वो झेलता ही है, और उस व्यक्ति को भी सोचना चाहिए कि अगर मैं जो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा हूँ उसके बाद मेरा परिवार के साथ कोई घटना घटती है, ये मेरे साथ कोई घटना घटती है, उसके बाद मेरा परिवार जीवन भर उसे झेलता है, तो ये उसके लिए भी सोचने का विषय है। बिल्कुल, सोचने का विषय तो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि शराब के बाद जिस तरीके से घटनाएं होती हैं वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन हरीश जी, उत्तराखंड में जिस तरीके से, क्योंकि आप वहां के खुद निवासी हैं तो आपको बेहतर जानकारी होगी कि जिस तरीके से प्रचलन जो कॉकटेल का शुरू हुआ था और अब तक काफी लंबा समय, काफी अरसा बीत चुका है, वो कॉकटेल का जो प्रचलन है वो लगातार जारी है। लेकिन अगर जिस तरीके से आप अभी जिक्र भी कर रहे थे कि एक पार्टी है वो अगर कॉकटेल पार्टी ऑर्गेनाइज करती है तो वो एक हाई स्टैंडर्ड में आ जाता है, लेकिन जो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता तो वो कहीं ना कहीं लो स्टैंडर्ड में उस इंसान को रख दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है और ऐसा ही माना जा रहा है आजकल शादियों में। पहले उत्तराखंड में मैं बताऊं, सबसे अच्छी बात ये थी कि वहां शादियों में कभी ज्यादा खर्चा नहीं होता जी, और बहुत कम खर्चे में शादियां हो जाती हैं। दहेज प्रथा भी उतनी ज्यादा नहीं है, जो बहुत ही हायर स्टैंडर्ड है या चोरी छुपे कोई करता है तो उसी के लिए ही थोड़ा बहुत दहेज प्रथा भी वहां पर है, वो भी बहुत कम मात्रा में। अगर बोलें परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो 10-15% के आसपास वो ऐसे लोग मिलेंगे, बाकी ऐसे लोग नहीं है वहां पर जो दहेज प्रथा को भी बढ़ावा देते हैं। पर ये एक शराब की जो प्रथा जो शादियों में शुरू हो गई है, ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आज मैं अगर इसकी बात करूं, पहले कभी शादियों में हम लोग, हमारे परिवार में शादी होती थी तो हम सब लोगों को एक खुशी होती थी कि हम, हमारे घर में शादी है, हमारे भाई बहन मिलेंगे, हमारे पुराने कुछ रिश्तेदार मिलेंगे जिनके साथ हम बैठ के 2-4 दिन अपने अच्छे वक्त को बिताएंगे। बिल्कुल। आज सबसे पहले देखा जाता है कि शादी में कॉकटेल कब है जी, और दूसरी चीज, कॉकटेल है तो उसका स्टैंडर्ड नोट किया जाता है, चेक किया जाता है कि कौन कौन लोग उसमें आने वाले हैं, कैसे कैसे लोग आने वाले, ये एक तरह का स्टैंडर्ड बनता जाता है। दूसरी चीज, जो कभी महिला संगीत हुआ करता था, वो महिला संगीत धीरे धीरे से कॉकटेल, न्यूतेर, इस तरह के वर्ड्स में कन्वर्ट हो गया। तो अब जो शादी में आने के लिए बजाय वो कॉकटेल में आने में ज्यादा इंटरेस्टेड है बजाय की शादियों में। मैं आज भी ये कहता हूं कि ये आप शराब पीजिए या हम आपको रोकने वाले कोई नहीं होते, आप अपने घर पे बैठ के पीजिए, पर आप किसी का फंक्शन में बैठ के पी रहे या आप पिला रहे हैं, दोनों ही गलत है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि वो दोनों ही चीज़ गलत हो जाती हैं। लेकिन एक मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा हरीश जी, कि जब शादी में आप जाते हैं तो एक लिफाफा देके जाते हैं, तो ऐसे में अगर वहाँ पर कॉकटेल पार्टी होती है तो शायद उस लिफाफे में जो रकम होती है वो भर जाती होगी। आपको शायद लिफाफे के मान्यता मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। बिल्कुल, लिफाफा एक कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, वो कंट्रीब्यूशन एक पिता को कंट्रीब्यूट करने के लिए था कि तुम्हारी बेटी की शादी है, मतलब हमारी बेटी की शादी है और हम इसमें सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो कंट्रीब्यूशन था जो समाज में सब एक दूसरे को बढ़ावा देने के लिए था कि हम आपके साथ हैं। लेकिन अब वो बदल चुका है उसका महत्व? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उसमें नहीं हूँ, इसका महत्व नहीं बदला। जो लिफाफा देता है वो अपना सोच के घर से आता है, पीने से पहले सोच के आता है कि मैं लिफाफा कितने का दूंगा, पीने के बाद ब्रांड देख के लिफाफा नहीं देता कोई, ये मतलब इस चीज में मैं नहीं हूँ। वो आज समाज में शायद ये देखा, आज मेरे यहाँ तुमने कितने का दिया था तो मैं उसको बढ़ा के तुम्हारे यहाँ दूंगा, ये बहुत अच्छी चीज है, ये इसको ये बुराई नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है, एक दूसरे को सपोर्ट कर, ये हमारा सिस्टम है, ये हिंदुस्तानी ही सिस्टम शायद ऐसा सिस्टम है जहाँ एक दूसरे के परिवार को सपोर्ट किया जाता है। बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तराखंड एक पर्यटन
स्थल के नाम से जाना जाता है, पर्यटक सबसे ज्यादा वहां पर पहुंचते हैं, पहाड़ों में घूमने पहुंचते हैं, वादियों में पहुंचते हैं, लेकिन अब वहां पर नशे के लिए पहुंचा जाता है। जितने युवा वहां पर पहुंचते हैं वो नशे करने के लिए पहुंचते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नशा उत्तराखंड के अंदर नहीं है इतना। अब आप ये कहोगे कि 100% नहीं है, वो भी गलत होगा, पर इतना नशा नहीं है। शादियों में लोग नशा करने नहीं पहुंचते हैं, पर हाँ शादियों में कॉकटेल के नाम पे जरूर पहुंचते हैं, ये गलत है। ठीक है, बाकी कोई इस तरह की स्कूलिंग सबसे बेटर है उत्तराखंड के अंदर, है ना। आज की डेट में जितने सम्मानित पद हैं हमारे देश के, उसी सम्मानित पदों पे हमारे उत्तराखंड के लोग हैं। और उत्तराखंड का एक ब्रेन, एक ऐसा ब्रेन कहा जाता है कि जो बिल्कुल अनपॉल्यूटेड ब्रेन है, बिल्कुल, है ना। तो इस तरह के वहाँ के लोग हैं। आज जितने भी आप उत्तराखंड के लोगों की अगर गिनती करें, परसेंटेज वाइज कुछ भी करें, आपका अपनी आंकलन कर लें जी, उसमें आप देखेंगे कि मिनिमम एजुकेशन तो सभी ने वहां ग्रहण की है, बिल्कुल। हाई स्कूल तो मिनिमम वहां हर आदमी मिलेगा, ये हमारे उत्तराखंड की बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छाई भी है, बिल्कुल। लेकिन अगर त्रिवेंद्र रावत सरकार की बात करते हैं तो बेहतरीन काम उत्तराखंड में वो कर रही है, ऐसे में आबकारी विभाग भी लगातार कार्रवाई करता है, लेकिन जब इस तरीके की शिकायतें सामने आती हैं हरीश जी की, बिना लाइसेंस के कॉकटेल पार्टी लगातार की जा रही है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? फिर करनी चाहिए। अभी किस कारण नहीं हो पा रही, इसी के लिए हम लोग शायद यहाँ डिस्कशन में है। आज डिस्कस हमारा इसी मैटर पर हो रहा है कि इसे बंद होना चाहिए, सरकार की तरफ से भी इसमें प्रेशर होना चाहिए कि हम शादी ब्याहों में दारू पीने के लिए लाइसेंस नहीं देंगे। ये क्लियर है, ये जुर्म है और ये लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। जहां शायद हम इसी तरह से इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, बिल्कुल, जिस तरह से आज कोरोना काल ने हमारे को एक चीज सिखाया है, वो ये सिखाया है कि हम 50 लोगों में भी अच्छी शादी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या हम बिना दारू के शादी नहीं कर सकते? हरीश जी, हमारे को कहीं ना कहीं पे अंकुश लगाना ही पड़ेगा। इस तरह के कुछ हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से अगर ऑब्जेक्शंस आए तो ऑब्जेक्शंस हमारे को वो रूल ऐसे बनने चाहिए कि ये तो होना है। आज भी 50 में हम कर रहे हैं तो दारू नहीं होनी है, ये भी मैंडेटरी होना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार ने दहेज प्रथा पर भी रोक लगाने का पूरा प्रयास किया और काफी हद तक वो सफलता भी उन्होंने उसमें हासिल की है, तो अगर ये कोशिश सरकार, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर बंद होनी चाहिए कॉकटेल, तो अगर ये सरकार कोशिश करती है तो शायद ये पॉसिबल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और इसमें मैं बोलूंगा, सबसे पहला पहल जो जिसकी शादी है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, अगर वो इसको स्टैंड को ले कि मेरी शादी में ये नहीं होना चाहिए, तो शायद सबसे पहली पहल वहीं से शुरू होती है। अगर जिसकी शादी है वही इच्छुक नहीं है तो बाकी लोग उसको दबाव नहीं डाल सकते, ये पहल वहीं से शुरुआत होती है। और मैं बोलता हूँ ये मुझसे, आपसे, हम सबसे ये शुरुआत होनी चाहिए। सरकार इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन देगी, बिल्कुल सरकार इसमें हमें सपोर्ट करेगी। जब हमसे शुरुआत करेंगे, हम हर चीज के लिए सरकार की तरफ नहीं देख सकते, सरकार हमारी तरफ भी देखे और हम सरकार की तरफ देखें, तो जाके हम इन चीजों को बंद कर सकते। बिल्कुल हरीश जी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में कॉकटेल पार्टी होती है, अच्छा खासा खर्चा भी होता होगा, लेकिन अगर उस खर्चे को हम शराब की जगह किसी की मदद में लगा दें तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा? बिल्कुल, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ। आप बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन पूछा है। इसमें हम किसी की अगर मदद कर दें उस पैसे से और किसी का उससे भला होता है, तो वो जो दुआएं हैं, बिल्कुल, वो शराबी वो दुआएं नहीं दे सकता जितना एक जिसको जरूरतमंद जो दुआएं देगा आपके परिवार, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, वो दुआएं ज्यादा काम आएंगी बजाय किसी को शराब पिलाने के। तो मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप इस चीज को बंद करें। बिल्कुल, उत्तराखंड वासियों को ये चीज समझनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक प्रचलन शुरू हो गया है, ऐसे में इस पर रोक लगानी बहुत जरूरी हो जाती है। लेकिन हरीश जी, एक तरफ तो सरकार ये पूरी कोशिश करती है कि जो नशा है उसको किसी भी तरीके से एक दायरे में, एक सीमित तरीके से बंद कर दिया जाए, लेकिन उसी दूसरी तरफ की अगर हम बात करते हैं तो उसको आगे बढ़ाने का काम भी किया जाता है। जैसे जिस तरीके से कोरोना काल में दिल्ली में ठेके खोले गए, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो पार्टी पर, किसी भी कोई भी पार्टी हो रही है, वहां पर रोक नहीं लगाई जाती। आखिर वजह क्या है? वजह सिर्फ रेवेन्यू है। सरकार को रेवेन्यू डिसाइड करना पड़ेगा, कौन सा रेवेन्यू मेरे लिए गुड है, कौन सा मेरा रेवेन्यू मेरा बैड है। अगर बैड कंट्रीब्यूशन वो लेंगे तो समाज में इस तरह की प्रथाएं बढ़ेंगी, गुड कंट्रीब्यूशन अगर लेंगे तो उससे समाज में एक मैसेज अच्छा जाएगा, एक सरकार के प्रति मैसेज अच्छा जाएगा कि सरकार कुछ बुराइयों को नहीं आगे बढ़ाना चाहती। तो ये सरकार को डिसाइड करना है कि हमें गुड कंट्रीब्यूशन चाहिए या बैड कंट्रीब्यूशन चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से अब तक सब तमाम जानकारी हम पहुंचा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खास मुद्दा है, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है और सरकार पर हर चीज़ नहीं डाली जा सकती है। हरीश जी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, ये बात हमको खुद अपने आप में अंदर लानी पड़ेगी कि दारू पार्टी को छोड़कर हम एक साधारण पार्टी या साधारण शादी भी कर सकते हैं और उस पैसे से हम किसी की मदद भी कर सकते हैं। बिल्कुल,
और हमें करना भी चाहिए ये। और इस तरह की कई संस्थाएं ऐसी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं उत्तराखंड के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में कर रही हैं, उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान में कर रही हैं। आपदा आई तो उसमें लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, और कंट्रीब्यूट करने के बाद ये निकल के आया कि इंसानियत बाकी है, इंसानियत बाकी है, तो इंसानियत हमें हर जगह दिखानी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस मुहिम को मैं चाहूंगा हम आगे इस डिबेट को आगे भी करते रहें, जब तक कि ये बंद नहीं हो जाता है, हम इस डिबेट को कंटिन्यू रखेंगे, अपने अलग अलग प्रोग्राम्स में इसको हम बनाए रखेंगे, और आगे चाहेंगे कि कुछ ऐसे विजुअल्स भी आपके सामने आए, लोग जो इनसे भुक्त भोगी हैं उन लोगों के बारे में भी हम आपके साथ लाएं, आपको समझाएं कि ये लोग ये चीज़ गलत है, ये लोग उसके भुक्त भोगी हैं, इस तरह के कुछ लोगों से इंटरव्यू भी मैं चाहूंगा कि आप करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है हरीश जी, क्योंकि जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि काफ़ी ऐसे सारे लोग होते हैं जो इतने कैपेबल नहीं होते हैं, इतने पैसे वाले नहीं होते हैं वो अफोर्ड कर सके पार्टी, लेकिन एक कल्चर जो हमारा बन गया है उत्तराखंड का, वहाँ पर पार्टी देनी होती है, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी दबाव महसूस करते हैं। तो ये पूरी हमारी चर्चा थी, हमारे संग खास मेहमान जुड़े हुए थे, जिस तरीके से आप तक तमाम जानकारी पहुँचाई है, और हमारी अपील न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की अपील तो उत्तराखंड वासियों से यही रहेगी कि जिस तरीके से कॉकटेल जो वहाँ पर इतनी प्रचलित हो चुकी है उस पर रोक लगानी चाहिए और उस पैसे से किसी की मदद करनी चाहिए। फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।